नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है हमारे पास ओप्पो रेनो 7 प्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसके एक इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है ब्रीदिंग लाइट, कि आप अपने फ़ोन में ब्रीदिंग लाइट कैसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों ब्रीदिंग लाइट इनेबल होने के बाद आपके कैमरे के चारों ओर वह लाइट शो होने लगेगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों ब्रीदिंग लाइट इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेगा। आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पर ब्रीदिंग लाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर लिखा है ब्रीदिंग लाइट। दोस्तों ब्रीदिंग लाइट को भी यहाँ ऑन कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके कैमरे के चारों ओर कुछ इस तरह की लाइट शो होने लगेगी, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। दोस्तों यहां पर लिखा है कि यह लाइट पावर सेविंग मोड और सुपर पावर मोड पर काम नहीं करेगी। दोस्तों यदि आप अपनी ब्रीदिंग लाइट के लिए टाइम सेट करना चाहते हो तो यहां से आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हो कि यह ब्रीदिंग लाइट हमारी सुबह से या शाम से कब तक चले, तो यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा यह लाइट कुछ और ऑप्शन के लिए भी काम करती है, जिसमें चार्जिंग, नोटिफिकेशन और इनकमिंग कॉल भी शामिल है। इसके अलावा यह लाइट गेम लॉन्चर के लिए भी काम करती है। दोस्तों जैसे ही आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो यह लाइट कैमरे के चारों ओर शो होने लगेगी। इसके अलावा किसी की कॉल या किसी का नोटिफिकेशन आएगा तब भी यह लाइट आपके कैमरे के चारों ओर शो होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम दिखाते हैं कि यह लाइट चार्जिंग के समय कैसे आपके कैमरे के चारों ओर शो होती है। तो दोस्तों अब आप यहां देख सकते हो कि मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया है और यह ब्रीदिंग लाइट कैमरे के चारों ओर शो होने लगी है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपनी ब्रीदिंग लाइट को इनेबल कर सकते हो। दोस्तों कैसी लगे यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।